Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। अभी मैं जयप्रकाश लोकनायक अस्पताल में हूं और ये सामने आप देख सकते हैं और यहां पे एक बड़ा दिलचस्पी मेरे सामने है मिला है। ये ऑटो एम्बुलेंस है। अब मैं पीछे दिखाता हूं, इस पे लिखा है ऑटो एम्बुलेंस, जो कि ये केजरीवाल सरकार ने ये ऑटो एम्बुलेंस चालू किया है और इनको एक दिन का 1500 रुपये मिलता है। ये देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है और मैं इनसे मैं बात करूंगा कि एम्बुलेंस में आ जाओ। और ये देखिए एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का भी व्यवस्था है और एक किट भी है। आइए बाहर आइए, एक बार आपसे बात करेंगे। तो इनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपको भैया? अजय कुमार। अरे कुमार जी, ये ऑटो एम्बुलेंस कितने दिन से आप चलाते हो? पहली तारीख से चला रहे सर। पहली तारीख से? हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी मतलब क्या क्या सुविधा है इस ऑटो एम्बुलेंस में? सर जैसे जो लोग परेशान होते हैं, जिन लोगों का किराया नहीं होता उन लोगों को छोड़ देते हैं, कोरोना पेशेंट होते हैं उन लोगों को ला के नहीं हम हॉस्पिटल वगैरह छोड़ देते हैं, या हॉस्पिटल छुट्टी होती है उनको उनके घर तक छोड़ देते हैं। तो आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से कितना पैसा दिया जाता है? 1500 रुपये सर। 1500 रुपये एक दिन का? हाँ जी, 24 घंटे। और आप कितना पेशेंट छोड़ते हो? सर हमें 4-5 पेशेंट तो छोड़ने पड़ते हैं, वैसे हो गए या कोविड के हो गए, जितने आते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ पे एक गाड़ी नहीं है, कई गाड़ियाँ सर, एरिया बाई एरिया में। तो एक दिन में आप कितना पेशेंट छोड़ते हैं तो बताओ? सर 4-5 पेशेंट छोड़ देते हैं। और पेशेंट के साथ कितने लोग रहते हैं? सर पेशेंट के साथ में एक या दो लोग रहते हैं। अगर अचानक पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो आप लगा देते हो? जी सर, एकदम लगा देते हो? जी सर। कोई आज तक ऐसा पेशेंट मिला कि बैठने के बाद डेथ कर गया हो? नहीं सर। हॉस्पिटल में छोड़ दिए वो? हाँ जी। अच्छा, और एक बात बताओ, बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट बोला है आप लोगों को जो सेवा देना है, जो अगर आप कोई बोला कि आप लोग पैसे भी लेते हो अलग से? सर जी पैसे नहीं लेते हैं हम लोग जो आते हैं हमारे पास में उनको बोलते हैं कि यहाँ से आपके लिए फ्री सेवा है, आपकी एक छोटी सी वीडियो बनेगी जो केजरीवाल के पास जाएंगी, वो लोग अगर नहीं बनवाते हैं वो लोग दूसरा ऑटो कर लेते हैं। और बहुत सारे जो एम्बुलेंस वाले देख सकते हैं, एम्बुलेंस यहाँ पे अभी लाइन से खड़ा है। आप एम्बुलेंस दिखा सकते हैं? आप ये लाइन से खड़ा है और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा एम्बुलेंस तो अभी कोई ले नहीं रहा है और ये ऑटो की क्या ज़रूरत पड़ा है, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। तो आप एक बात बताओ, हॉस्पिटल में इतना छोटा सा एम्बुलेंस में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है लेके जाने में? नहीं होता सर। हा? नहीं होता सर। कभी मालूम मरीज सीरियस हो, किसी में डेथ कर गया तो आप क्या करोगे? सर जी जो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है वहाँ पे जो है सारी बात पूछी जाती है, जो ठीक ठाक वैसे होते हैं तो उनके लिए ये है, बाकी उनके लिए एम्बुलेंस भेजी जाती है। एम्बुलेंस भेजी जाती है। तो ये थे जो कि ऑटो ड्राइवर हैं और ये एम्बुलेंस बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और देखते हैं। और मैं बात करता हूँ एम्बुलेंस चलाने वाले लोगों से, अब इनकी क्या क्या दिक्कत है। क्या आप बताइए कितने देर से आप खड़े हैं एम्बुलेंस लेके? सर मुझे आज 4 दिन हो, यहाँ तीन चार दिन हो गए खड़े हुए लोगों को, कोई नहीं लेके जाता एम्बुलेंस फिलहाल। अभी काम हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो कोविड में गाड़ियाँ लगी हुई, हम लोग कोविड में नहीं जाते। अच्छा। और हमारी जो नॉन कोविड है? नॉन कोविड है जी सर। तो आप 4 दिन से एम्बुलेंस ही खड़ा कर रखे हैं? किसी को 3 दिन हो गया, किसी को 4 दिन हो गया, किसी को 5 दिन हो गया। एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट ने जो छोटा सा ऑटो में एम्बुलेंस चालू किया, इससे आप लोगों का कोई फर्क पड़ रहा है? ये तो सर ये केजरीवाल जी ने जो चालू करे हैं ये पब्लिक की सुविधा के लिए करे हैं, कि पब्लिक जैसे रोडों पे परेशान थी, बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे। हमारी तो प्राइवेट है, हम लोग तो मालिकों को जवाब देना पड़ता है शाम को। अब वो आएंगे हाँ भाई कितने किलोमीटर चली, सर आज गई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका हिसाब और है, क्योंकि ये लोग जो है कॉल पे जाते हैं, इनके पास कॉल आती है तब ये लेके जाएंगे, या बिना कॉल के भी अगर जाएंगे तो बंदे के पास पेपर हो हॉस्पिटल के या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो उसको लेके जा सकते हैं ये लोग। तो ये जो कोविड का केस जब बढ़ा है उसके बाद ये एम्बुलेंस ऑटो में चालू किया गया ना? जी सर।
उससे पहले तो नहीं, जिस वक्त ये ऑक्सीजन खत्म हुई थी ना दिल्ली के अंदर, उसके बाद में चालू करा गया ऑक्सीजन की किल्लत के बाद में। और आप लोगों के एम्बुलेंस में क्या ऑक्सीजन रहता है सर? हमें जिस वक्त ये ऑक्सीजन खत्म हुई थी दिल्ली के अंदर, उस दौरान हमें मजबूरन हालात देखते हुए दिल्ली के, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ला के हमने मजबूरी रखे थे, क्योंकि पेशेंट इस कदर यहाँ परेशान थे। मेरी एक पहले भी वीडियो बन चुकी है, ऑक्सीजन यहीं गेट के पास पेशेंट मरने वाली हालत थी, उस दौरान उनकी यहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म थी, तो मैंने अपने गाड़ी के अंदर उनको लिटा के ऑक्सीजन दी थी। एक लेडीज़ थी, RML भी गई थी, वहाँ भी कई सुविधा नहीं मिल पाई थी उस दौरान, किसी को नहीं मिल रही थी उस टाइम। तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप देख सकते हो, तो ये देख सकते हैं कि पूरा दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन जहां शॉर्टेज था, अब इन्होंने देखिए एम्बुलेंस में इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर है, मजबूरी रख रखे हैं ताकि और किसी जान बच सके, जान बचाने के लिए अच्छा भी काम कर रहे हैं ये लोग, और एम्बुलेंस चलाते हैं और ये लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने खुद ऑक्सीजन दिया था। तो आप देखते रहिए मोजो स्टोरी, मैं हूँ मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.